सैकड़ों की तादाद में, बल्कि जब मैं गफीर जी से कहा जा सकता है, और ये आज ही नहीं है इंशाल्लाह, ये हर पेशी पे ऐसा होगा फिर गुफ्तगु इनाका नामा अब्बास अदरी साहब करेंगे। पाकिस्तान का अमन और अमान तबाह करने के लिए गैर मुल्की एजेंसियों के इशारे पर कई माह से ये अशरफ दज्जाली शियों को चैलेंज कर रहा है। शिया सुनी फसादात पाकिस्तान में कैम करके बैरून मुल्क एजेंसियों को खुश करना चाहता है। इसका कुरान और हदीस और इस्लाम से और सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं। हमने फरवरी में इसका चैलेंज कबूल किया था कि हम बीबी पाक के फतह के लिए और हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान और अज़मत के लिए मुनाज़रे के लिए हाजिर हैं, और फिर बाद में मैंने खुद 40 मिनट का क्लिप दिया फरोग अज़ाक को, जिसमें मैंने बीबी पाक सलाम अल्लाह के मासूमा होने पर कुरान और हदीस और मुतबर कुतुब से मैंने हवाला जा दिए। और ये इसने चैलेंज किया कि मुझे अदालत में मेरे साथ बहस करें। मैं आज़र अब्बास हैदरी आज ये मॉडर्न टाउन में मैं अदालत में किताबें लेके आया बैठा हूँ। अगर ये हलाल ज्यादा होता तो मेरे सामने आता, अगर ये हलाल ज्यादा होता मेरे सामने आता, लेकिन बीबी पाक को भौंकने वाला कभी हलाल ज्यादा नहीं हो सकता। इस वक्त जो अशरफ आसिफ जलाली को हराम ज्यादा ना समझे वो खुद हराम ज्यादा। मैं अज़र अब्बास हैदरी किताबें लेकर अदालत में जहां मौजूद हूं, और ये बेहमदिल्ला तमाम शियों को मैं ये खुशखबरी देता हूं कि इमाम जमाना की तरफ से आपको फतह मुबारक हो। वो भाग गया, वो सामने नहीं आया। आखिर दवाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।